हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित सिंह रावत व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा किट बैग कि एक बैडमिंटन प्लेयर के बैग में क्या क्या होता है और उसको हम कैसे असेंबल करके रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे किट बैग में हमें ज़रूरी होती हैं और इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस बारे में बात करते हैं और आपको मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ इन चीज़ों के बारे में। A few moments later. दोस्तों, ये मेरा योनिक्स का किट बैग है। तो अब मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको दोस्तों एक बैडमिंटन प्लेयर के किट बैग के अंदर क्या क्या सामान होता है और क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ये कंपार्टमेंट से। तो दोस्तों, ये जो कंपार्टमेंट है ये रैकेट कंपार्टमेंट इसको बोलते हैं। जो सिल्वर कलर की शीट आप देख रहे हो, ये आइसोलेटेड शीट्स होती है और ये सिर्फ रैकेट कंपार्टमेंट में लगी होती है। और इसलिए कि रैकेट कंपार्टमेंट पे हमारे रैकेट्स डैमेज ना हो ज़्यादा गर्मी से या ज़्यादा ठंडी से। और दोस्तों, ये जो हमारे रैकेट होते हैं ग्रेफाइट कार्बन से बने हुए होते हैं, तो ये ज़्यादा गर्मी में क्रैक हो जाते हैं और ज़्यादा ठंडी में भी क्रैक हो जाते हैं। तो इसलिए इस कंपार्टमेंट के अंदर आइसोलेटेड शीट होती है सो दैट ये रैकेट जल्दी से टूटे ना। और इसमें दोस्तों एक ही हमारा शटल बॉक्स है और ये तीन रैकेट हैं जिसमें से एक जूनियर रैकेट है दोस्तों। ये छोटे बच्चों के लिए लिया हुआ है मैंने, जो मेरी एकेडमी में 4 इयर्स से लेके 7-8 इयर्स तक के जो बच्चे आते हैं उनको मैं ये जूनियर रैकेट से करवाता हूँ ट्रेनिंग। तो अभी हम इसको रख देते हैं दोस्तों अंदर। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा रैकेट कंपार्टमेंट और अब हम इसको कर देते हैं बंद। अब आते हैं हमारे सेकेंड कंपार्टमेंट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो कंपार्टमेंट है ये सेकेंड कंपार्टमेंट, इसमें आइसोलेशन शीट नहीं होती है क्योंकि इसमें हम लोग रैकेट नहीं रखते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आइसोलेशन शीट की। अब ये शू बैग है, इसके अंदर जूते रखे हैं हमने वुडन कोट्स के लिए, नॉन मार्किंग शूज़ होते हैं हमारे और इसको हम सिर्फ कोट में ही पहनते हैं, कोट के बाहर हम इसको उतार के ऐसे बैग में पैक करके, इसके ये शू बैग होता है इसी में पैक करके हम इसको किट बैग के अंदर रख देते हैं। बट अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों, इसके अंदर हैं हमारे कुछ सॉक्स वगैरह एंड बाकी इनर गारमेंट्स, तो इनको यहाँ पर मैं रख देता हूँ। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों ये है सिपर योनिक्स का। इसमें हम लोग प्रोटीन शेक एंड बाकी की चीज़ें जो भी हमने ड्रिंक बनानी है अपने लिए वो हम बना के इसमें पी सकते हैं। और ये डिओड्रेंट दोस्तों, और ये दोस्तों ये है स्किपिंग रोप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो एक एथलीट के लिए। और उसके बाद दोस्तों ये है थेरा बैंड। तो दोस्तों ये थेरा बैंड, इसको रेजिस्टेंट बैंड भी बोलते हैं और ये मल्टीपल टाइप्स की जो हम ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ये उसके लिए होती है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हर एक प्लेयर के पास होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी दोस्तों हम इनको सबको अंदर यहाँ पे सेट कर देते हैं जहाँ से हमने सामान निकाला है। अब आते हैं इस वाले कंपार्टमेंट की तरफ। तो इस कंपार्टमेंट में दोस्तों मेरी टी शर्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कॉम्पैक्ट तरीके से टी शर्ट्स पैक करके रखी हुई हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे अपने कपड़े ऐसे रोल करके एकदम अच्छे से इसको पैक करके कॉम्पैक्ट पैक करके रखता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फिर मैं एक वीडियो सेपरेटली इस पर बनाऊँगा। तो फिलहाल ये सारी टी शर्ट्स हैं दोस्तों, 4 टी शर्ट्स ये हैं, उसके बाद 4 टी शर्ट्स ये हैं। तो दोस्तों मेरे किट बैग में मैं 8 टी शर्ट्स एट अ टाइम रखता हूँ क्योंकि हम एक दिन में दोस्तों 5 से 6 घंटे खेलते हैं, 3 सेशन हम लोग लगाते हैं और उस 3 सेशन में दोस्तों हमारे 8-9 टी शर्ट्स तो आराम से एक दिन में कंज्यूम हो ही जाती हैं। और दोस्तों इतने अच्छे तरीके से इसको पैक करने के बाद हमारे पास इतना सारा स्पेस बचता है ताकि हम अपना जूता वगैरह बाकी कोई भी चीज़ है इस कंपार्टमेंट में हम आराम से इसको सेट कर सकें और फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। तो इसलिए दोस्तों इतनी कॉम्पैक्ट पैकिंग करना सबको आना चाहिए। और बाकी शॉर्ट्स, एक टॉवल, ये सब होना चाहिए हमारे किट बैग में, वो अभी मैंने फ़िलहाल धोने के लिए डाला हुआ है बिकॉज़ आज छुट्टी है हमारी अकेडमी की। और दोस्तों ये तो हो गया हमारा किट बैग का और ये योनिक्स का किट बैग है, ये बहुत ही अच्छा है। अब एक लास्ट चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताऊं, जो एक एसेंशियल चीज़ जो होती है हम लोगों के किट बैग में रखने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो होता है दोस्तों जो ये वाले ज़िप में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोल के पैकेट्स होते हैं, इसको ORS भी बोलते हैं। तो एक एथलीट के लिए उसके किट बैग में ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है अगर एक एथलीट अगर इसको रखता है अपने बैग में तो। और दोस्तों यहाँ पे कुछ मास्क हैं, इसके अलावा दोस्तों ये इंक है, ये जो इंक होती है दोस्तों ये रैकेट के लिए होती है, रैकेट के जो स्ट्रिंग्स में आप वाटर मार्क देखते हो किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का, तो ये उसके लिए होती है। और इसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे अच्छा टूल होता है हम बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए या किसी भी एथलीट के लिए या किसी भी कोच के लिए, वो होता है ये स्टॉप वॉच, ये टाइमर स्टॉप वॉच। तो दोस्तों ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ। और ये सर्जिकल हैंड ग्लव्स हैं दोस्तों,
और उसके बाद आ जाता है, ये मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं। और दोस्तों ये एक लेटर है, ये मेरी बहन ने मेरे लिए लिख के दिया था जब मैं 2 साल पहले वनवास गया था काशीपुर, तब मेरी बहन ने ये लिख के दिया था मुझे। तो मैंने बहुत संभाल के रखा है, पिछले 2 सालों से संभाल के रखा है। हालांकि इसकी औकात नहीं है चिंकी की ऐसी कि मैं इसके लिए बट ठीक है सिर्फ तो बस यही है दोस्तों एक किट बैग में। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा एक बैडमिंटन प्लेयर के किट बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैं जब बोलूँगा इसके बाद मैं चले जाना यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये सब सेटअप करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इतने में ट्रेन आ गई। एक यूट्यूबर को यार रेलवे ट्रैक से पास नहीं रहना चाहिए। कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों एक यूट्यूबर को। ओ फाइनली ट्रेन चली गई, चल चल बंद कर वापस आ रहा सही। मेरे भैया की शूटिंग खराब कर रहा था। मच्छर है।